सिंपल सा रहेगा क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन रहेंगे आपको, ज्यादा ना हार्ड रहेगा ना आसान रहेगा। आपसे पूछा कि जैसे क्वेश्चन 3-4-5 रेशियो में है थ्री नंबर, तो आपसे इसमें पूछा है कि बताइए कि सम ऑफ द दिया हुआ 1108, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा? 48 होगा सर इसमें। 48 बहुत बढ़िया, चलिए और बाकी लोग जितने फास्ट कर सके आप कैलकुलेशन, ठीक है। लास्ट में जब सबमिशन होगा ना तब हम लोग के पास ये पता चलेगा, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू इतना इज, प्रोपोर्शनलिटी समझते हैं आप लोग क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं हम शायद, यहाँ नहीं लिख सकते हम लोग, कहाँ पर ये सर पहला क्वेश्चन दिखाइए ना। चलिए इसको करिए ना, आप बता रहा हूँ छूट गया, छूट नहीं समझ में नहीं आया, ड्रॉ में ये एरो वगैरह का दिखा रहा है, टेस्ट है ये तो, ये हाँ ठीक है। देखिए इसको कहते हैं जो फोर्थ प्रोपोर्शन टू द इतना, तो थ्री दिया हुआ है ना मेरे पास 0.14 अपॉन 0.21 ये होता है, और ये दो आपके पास दिया हुआ है एंड 13, तो 13 ऊपर जाएगा और ये फोर्थ का काम करेगा, पहला ये सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, अब नाउ एक्स इज व्हाट, ठीक है। तो आपने देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा 2 से होगा और ये कितना होगा 3 से होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 43/2 कितना होगा, उतना पेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हैं फर्स्ट हो जाएगा सर 19.5। हाँ आपको ऐसे करना है, इतना समय मत लेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि आप समय इतना नहीं लेंगे, नहीं ले रहा है, हटाएंगे तब 39/2 कितना हो जाएगा 19.5। आप ऑप्शन भी ध्यान में रखते रहिए, ठीक है। देखिए या तो 18.8 मारेंगे 19.5 आएंगे, गलती कहाँ होगी, इन दोनों में नहीं होगा। अगर कोई बच्चा मारता है कि 22.6 एंड 20.7 तो उससे बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि हमने बहुत आगे लिख करके छोड़ा, 22/44 ज्यादा हो गया। हाँ थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ अगर दिमाग का तो 18.8 पर भी जा सकता है, ठीक है, ये जा सकता है, होती ही गलती है, अच्छे अच्छे से होती है फास्ट में गलती, बट आपसे ये कोशिश नहीं रहे कि बी और सी नहीं होगा, ये क्या है ब्लैंक है कि उसमें माइनस में परसेंटेज चांसेज है, तो वो 19.5 होगा, ठीक है। अभी नहीं ले रहा है इसको, हमने ऐसे पॉज करेंगे तब आपके पास लेंगे, पेन नहीं हटाएंगे तो कैसे लेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये तो इरेज नहीं हुआ। द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 इज देयर एलसीएम इज 308, then find their sum, उनके सम क्या होंगे, बनाइए फास्ट। क्या हो जाएगा इसको, आप सबसे पहले 308 रखेंगे, देखेंगे ध्यान, इसको 4x होगा 7x होगा,
तो एलसीएम लेंगे 4 होगा इंटू 7 होगा, ठीक है, और इंटू एक्स भी होगा, तो एक्स की तो वैल्यू ही निकलना होगा ना, तो आप यहां से कैंसिल कर लें, ये इतना हो जाएगा 308 कितने बार में कैंसिल होगा, इससे कर लो चाहे 27 28, फिर कितना होगा 2 27 28 11 से कैंसिल हो जाएगा 11, यानी एक्स की वैल्यू हो गई 11, ठीक है। अब यहां पर जो हमारे पास होगा 7 4 कितना हुआ 11 इंटू 11 ये हो जाएगा 121 होगा। तो कुछ लोगों को नहीं समझ में भी आया होगा, ठीक है, जो प्रैक्टिस में रहेंगे उनको फास्ट समझ में आएगा। आप मेरे को दीजिए ये सारे क्वेश्चन, हम आधे घंटे में सब खत्म कर सकते, आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, आधा घंटा 35 मिनट ऐसे देगा आपको। एक मैथ के लिए थोड़ा समय रहता है, ऐसा नहीं है, मैथ के लिए भी समय रहता है, और आपको ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछने वाला है उसको, ऐसा नहीं है वो, सिर्फ आपको मेमोरी बोर्ड चीजों कुछ तो ऐसे रहेंगे देखेंगे और मार्क चल निकल जाएंगे। हाँ ये थोड़ा सा मेरे से गलती हुई, मुझे आना चाहिए था कल, आई थिंक बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, ठीक है, मेरे को पूरा क्वेश्चन दे देते हम बैठ जाते हैं ना, आधे घंटे बैठ जाते हैं, उसके बाद 10 मिनट में आपको काउंट करवा देते हैं। ये हो गया अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, थोड़ा सा फास्ट नहीं हो पा रहे हम लोग। ये कौन था 121, बाद में सबमिशन करोगे तो पता चलेगा आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों ने वर्क डन वाला पढ़े थे ना, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ दिया इसने, इसको क्वेश्चन पूछ करें कैसे करेंगे। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्राई करें सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसके ट्रिक्स भी पढ़े थे, चीजों को बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया था, बहुत ही अच्छा तरीके से हमने बताया था, याद कीजिए ट्रिक्स, यही बोले थे कि अगर हार्ड क्वेश्चन भी देगा तो ट्रिक्स पर बनेगा। एवरीबॉडी बनाइए, 20 सेकंड में आपको बनाना है, 50 सेकंड आपको दे दिए, 30 सेकंड समझिए, 30 सेकंड देखिए हमने सिखाया था आपको कि ये जो 30 है ना रख दीजिएगा, ठीक है, इसको ऊपर रख दीजिएगा, और जितना पूछ रहा है ये 4 यहाँ रख दीजिए, 4 मैन पूछ रहा है ना, और इस मैन के साथ कंपेयर कीजिए कितना होगा, आप सबसे पहले ये निकालिए 4/10 प्लस 9/ओमेन, ओमेन कितना है 15 है ना, इसको 15 यहाँ रख दीजिए, इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। एलसीएम कितना होगा, आपको एलसीएम पर कमांड होना चाहिए, कितना होना चाहिए एलसीएम 30 होना चाहिए, ठीक है, ये कितना होगा 3 से कैंसिल करेगा तो 12 होगा, बहुत बढ़िया, ये कितना होगा 18 होगा क्या, ये कितना 8 2 10 30 सॉरी ये 30 हो गया ना, ये 1 हो गया ना, 1 हो गया तो यहाँ पर भी 1 ही लिखाएगा, ये 30 ही आएगा आंसर अगेन, देखिए 30 दिया भी है, कंफ्यूज नहीं करना है आपने को, ठीक है, ये यहाँ पर बटा में क्या होगा 30 अपॉन दिस होगा ना, पूरा का पूरा आएगा, तो ये तो सॉल्व करके हमने 1 ला दिया, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 1 यानी कि आंसर भी 30 आने वाला है, अधिकतर को इसमें गलती करके आएंगे, लेकिन 30 दिया फिर 30 आ जाएगा क्या, बट हो रहा है तो हो रहा है, कंफ्यूज करने के लिए आपको पता है इसमें कि बोले 30 नहीं आएगा, लगता है मेरे को गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी गड़बड़ी हो रही है, बट है 30 तो है तो 30 ही होगा, आंसर 30 होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया क्या, इसका मैंने बताया था आपको 9 ओमेन दिया हुआ है ना, देखो ना आप क्वेश्चन में आप देखिए दिया आप, मैंने हमने कि इस 30 को पकड़िए, 30 को ऊपर लेकर रखिए आप, उसके बाद आप क्या करेंगे 4 को रखेंगे यहाँ पर, और 4 मैन यहाँ पर मैन के साथ मैन कंपेयर करेंगे, इसके 10 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ हमने बताया था कि 9 ओमेन है तो 9 को ऊपर रखेंगे और इसके ओमेन को देखेंगे ये 15, तो ये क्या हुआ कि हमने पहले ही सॉल्व करके देखा, तो ये सॉल्व करके देखा तो ये 1 आ गया, देखिए अब इस वैल्यू को 1 रख दिए तो 30/1 यानी कि 30 ही हो जाएगा, तो 30 ही हमारा ऑप्शन दिख रहा है, 30 दिख रहा है एक में, हमने क्लिक करके निकल गया, पहले भी 30 आया, आंसर में भी 30 ही आएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं, देखिए
फिर से देखिए वर्क डाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए, अच्छे क्वेश्चन है इनके। जब इस सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप आसानी से 70-80% करके आएंगे। A alone can complete the work in a 12 days and B alone can complete a 24 day. When A, B, C are work together, then work will be completed in 72 by 11 days. In how many days C can alone the complete the half of the work? देखिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, अच्छी क्वेश्चन है। कंप्लीट निकाल लीजिए, आधा दिन लगेगा, फिर उसका आधा कर देंगे। देखिए ये इतने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ये इतने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ये इतने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ये डिवाइडेड है। सबका एलसीएम क्या होगा सबसे पहले? अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट का एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, जानते हैं सभी लोग फ्रैक्शनल नंबर का। ये जैसे फ्रैक्शनल नंबर है तो ऊपर वाले का एलसीएम होता है और नीचे वाले का एचसीएफ होता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। नोट करें कहीं पर, फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम जो होता है ऊपर जो होता है, ऊपर डिनोमिनेटर होता है ना, तो नोमिनेटर का एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम इज इक्वल टू। तो 12 यहां पर क्या होगा, 12, 11, 12, 24 एंड 72 का एलसीएम कितना होगा? 72। अच्छा, इसके नीचे वन छिपा हुआ, इसके नीचे वन, इसके नीचे वन, इसके नीचे 11, 1, 1 और 11 का एचसीएफ कितना होगा? 1, एचसीएफ 1 ही होगा, यानी कि ये एलसीएम हुआ, कंप्लीट एलसीएम, दिस इज द कंप्लीट। अब 12 से इसको डिवाइड कीजिए कितना होगा? 6, ये इसको कीजिए 6, 3 इसको कीजिए 3, 11 होगा। हां, अब देखिए ये a प्लस b प्लस c मिलकर के 11 है, a प्लस b मिलकर के 6 3 9 है, तो c कितना होगा? 2, तो यानी कि 72 अपॉन 2 कितना हो गया? और उसका हाफ बोल रहा है, कितने दिनों में हुआ? 36, तो इसका आधा कितना होगा? 36 दिनों में पूरा काम खत्म कर रहा है, तो आधा कितना होगा? 18 डेज में, 18 दिनों में। ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप 36 मार के चले आ जाएंगे, हड़बड़ में मार के निकल जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता है, आप पढ़े ही नहीं। मैंने अधिक आपको मिलेंगे 30% ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो वे देखेंगे नहीं कि खुश हो जाएंगे, अरे 36 है, क्लिक करके निकल जाएंगे। बट आपको ध्यान देना है कि वो पूछ रहा है कि आधा काम कितने दिनों में करेंगे, पूरा काम 36 डे में, तो हाफ वर्क कितने? 18 डे में। एक बार और समझाइए। देखिए ए जो है 12, ये जो है 12 डे में काम वर्क कर रहा है, बी जो है 24 डे में कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 72 बाई 11 डेज में इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने आपको सिखाया था कि देखिए ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया 12, 24 एंड 72 बाई 11, ये एलसीएम निकालेंगे, तो इसके एलसीएम, तो ये तो फ्रैक्शनल नंबर एक आ गया, तो एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर होता है जो ऊपर वाले पार्ट का जो होता है एलसीएम निकालते हैं, और नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ निकालते हैं। तो ऊपर 12, 24 एंड 72 का एलसीएम क्या होगा? 72, एंड एचसीएफ की बात की तो 1, 1, 11 उसका एचसीएफ होगा। अब इसे काउंट कर लो, 6 से करोगे तो ये होगा, 3 होगा, अगर ए प्लस बी मिलकर 11 है तो हमें चाहिए सी का, तो 6 और 3 ये हटा देंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो जो है सी जो होगा वो इतने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, 36 डे में, बट उसका आधा काम कितने दिनों में करेगा? 18 डेज में करेगा। ठीक है, ऐसे करते हैं, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर लास्ट में 11 से 6, 3, 9 को घटा देंगे, उसके बाद 2,
यस, दो दो से तो डिवाइड करेंगे तो सी का वर्क, सी का पता चल जाएगा कि कितने दिनों में उसने वर्क को कंप्लीट करेगा, पूरा कंप्लीट कितने दिनों में करेगा, ठीक है। लेकिन हमें आधा चाहिए, आधा वर्क 18 दिनों में करेगा, पूरा काम 36 दिनों में, तो आधा काम क्या करेगा, 18 दिनों में करेगा, 18 डेज में, ठीक। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज का सिर्फ जोड़ घटा से रिलेटेड है, बीच बीच में ये क्वेश्चन डालते हैं। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसकी क्रिया होती है, किसका होता है, ऑफ का होता है, ऑफ का। अगर सर आप बोर्ड मास के फॉर्मेट में जाएंगे तो सबसे पहले ऑफ का होगा, बाकी उसके बाद होगा, तो ऑफ वाले पार्ट को आप, हालांकि कभी कभी क्या होता है कि आप इधर से उधर भी कर देते हैं, बट वो गलत तरीका हो जाएगा, तो इस तो यहाँ पर आप करेंगे, देखिए यहाँ ये 40% है ना, तो 40/100 आप लिख सकते हो, ठीक है। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का आप एक साथ कर सकते हैं, यानी कि 100 माइनस ये 20/100 और इनटू इक्वल टू, बस अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सर निधि का डिस्कनेक्ट हो गया था, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 16 आंसर होगा सर इसका, कनेक्ट सर निधि का नेटवर्क इशू था, ज्वाइन हुई थी अभी कट गया, फिर से ज्वाइन कर ली। ओके मैं देख ले रहा हूँ, एक मिनट सर। 16 आंसर होगा बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे बीच में पूछे जाएंगे, इन सब क्वेश्चनों को तो आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक से एक सुनना यानी कि 16 होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को फास्ट, जितना इसमें समय थोड़ा ज्यादा बचत हो जाती है, इसमें कोशिश करना चाहिए कि ये सब गलत ना हो। 16 हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं देखता हूँ। अब देखिए ऐसा ही डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा रहता है ये सब क्वेश्चन का, ऐसा नहीं है, थोड़ा मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा, समझे। बताता हूँ। हेलो सर, बोलिए। नोट करने की कोशिश खाली लगे रहते हैं, समझते नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए केवल, क्वेश्चंस का अंत नहीं है, क्वेश्चन मिलते रहेंगे। द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉई रिक्रूटमेंट बाय 4 कंपनीज, ऐसा ही क्वेश्चन देगा, जैसे अपना उसमें कंपनी नहीं लिख करके विप्रो बोल देगा, ठीक है, अपना वो डाटा दे रहा है, ए बी सी डी इन द 5 ईयर, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2017-18 से लेकर 21 तक एबीसी कंपनीज का ये जो है रिप्रेजेंट द नंबर एम्प्लॉई, इतने इतने एम्प्लॉई हैं, बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉईज रिक्रूटमेंट इन 2019 टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉईज रिक्रूटमेंट इन 2020, ठीक है ना, 2019 कहाँ गया, ये है, तो आप कर लो कितना हो गया, 350 और 300 कितना हो गया, 750 और 350 650 और 1000, तो ये ऊपर में हो गया 1500। एक कौन सी कंपनी का, 2020 में बात कर ले हैं, 3 × 2 = 5, बताइए कितना होगा, 5 × 4 = 9 = 10, 10 ये भी 5 है, 1:1 हो जाएगा, 1500 भी आएगा, करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, समझे, ऐसे करते हैं फटाफट, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन देख करके है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, रिकॉर्डिंग में डाल दिए हैं, अपलोड करेंगे। द एवरेज नंबर रिक्रूटमेंट बाय कंपनी सी फॉर ऑल 5 इयर्स, द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट बाय कंपनी सी एंड डी की बात हो रही है, टुगेदर फॉर 5 इयर, इसको जोड़िए, इधर से जोड़िए कितना होगा, ठीक है, इधर से जोड़ लीजिए, दैट मींस यहां पर सी एंड डी 0 की 0 क्वेश्चन 5 × 10 = 5 = 15 = 15 = 5, ठीक है, यहां पर 2250 ये यहाँ पर 2250 से आया, इसकी काउंटिंग कीजिए कितना होगा,
पीछे वाला क्वेश्चन तो नहीं आया। 1820 सर। 1800 1830 होगा 1830 सर। हेलो 905 क्या था, बता है आधा क्यों लिखे हैं, एवरेज बात कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद दो करेंगे ना डिवाइड तो हम कर देते हैं, तो आप 1125 और 915 जोड़ेंगे जो आएगा वही आंसर होगा। क्या पूछ रहे हैं, एक मिनट रुके, तो फंड एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट बाय द कंपनी सी टुगेदर। अच्छा एवरेज बोल रहा, सॉरी 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 सर सॉरी सर, एवरेज 5 से डिवाइड होगा ना, 22 था ना, 5 से कर लेंगे, इनको 5 से डिवाइड कीजिए और इनको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर जोड़ दीजिए, 4 5 20 और ये क्या हो जाएगा 50 25 400 सर, कितना हो जाएगा प्लस 15 और 3 66 जोड़ लीजिए 6 हो जाएगा, 6 5 11 की 1 5 3 8 1 916 ना 816 ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा फास्ट बनेगा, प्रैक्टिस की चीजें हैं ये सब और कुछ है नहीं, ठीक है 816 आएगा। नेक्स्ट में देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट बाय ऑल द कंपनीज इज 2019 इज अ व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट बाय द कंपनी फ्रॉम ए, कंपनी ए फ्रॉम 2019 टू 2021। अब ये इस तरह के क्वेश्चन अगर एक अटेम्प्ट में बन जाए तो ठीक है, इसको नहीं तो फिर बैकअप में आएंगे, आप स्किप करें। देखिए क्वेश्चन कैसे स्किप करवाता हूं मैं, इसको क्या करेंगे स्किप करेंगे, ठीक है ऐसा नहीं है, फिर इसमें भी देखिए पढ़ने से बहुत कंप्लीट आएंगे, फिर हम समय बचाएंगे ना, हम अगर 5 मिनट हम समय बचाएंगे तो आएंगे उस पर, फिर हम उसको छोड़ने वाले नहीं है, अभी भी 5 मिनट बचाएंगे आएंगे, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतना फॉर वन ईयर एट, दो क्वेश्चन बनाए ना हम लोग, 3 क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए कैसे बनता है। 13 और 14 वाला आंसर गलत था, कौन 13 14 के लिए हमने आपको सिखाया था, याद कीजिए, चल रहा था क्या आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वार्टरली के लिए हमने सिखाया था ना आपको, टाइम क्या हो जाएगा बताइए क्वार्टरली के लिए, वन ईयर है तो 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है और रेट की बात करूं तो क्या हो जाएगा 20% आधा हो जाएगा। अब निकाल दीजिए कंपाउंड पर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रहा है तो ए पहले तो निकाल लो, ए कितना हो जाएगा सर, सी आई हम लोग को नहीं बताया, सी आई नहीं हुआ है आप लोग को, सी आई नहीं पढ़ाया है सर, बचपन में तो पढ़े होगे ना जी, क्या सर सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट 20/20/100 ये इनटू में है टू द पावर 2, ठीक है ये क्या होगा 5, इसको इरेज कर लो, ये हो जाएगा 20/100 ये कितना होगा 5 × 6 होगा ना, तो यहां पर आपके पास ऐसा होगा 4 × 6/5 6/5 आप कर लीजिए 16 से होगा क्या 16 से 0 0 0 यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर से बताइए 32 से होगा क्या ये फिर बताओ, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 × 36 जो भी है 0 0 तो बढ़ा ही रहेगा अपने पास, इसको मल्टीप्लाई 6 × 12 नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, क्वार्टरली है हाफयरली है ओ सॉरी 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 क्वार्टरली है ना, इसको 4 ईयर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10% होगा, सॉरी गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे को ध्यान में नहीं था, मैंने को लगा क्वार्टरली लिखा है, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी आप वहां पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा जल्दी बना रहे थे टाइम हो गया है।
ओके चलो देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया 8000, पास 10 होगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, यहाँ 4 होगा, ठीक है, तो ये 11 हो जाएगा ना, 11 by 10 और 11 by 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, आपके पास ऐसा होना चाहिए। अब इसको करो मल्टीप्लाई, क्या होगा 8 × 11 = 121, ठीक है, 8 8 64, लास्ट में 4 आएगा, एक तो क्लियर हो गया, सॉरी 8 होगा ना, लास्ट में क्या होगा 8 होगा, क्लियर तो हो गया, पहला आंसर होगा, फर्स्ट आंसर, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो कितना होगा 8 होगा, और 1 × 8 यानी कि लास्ट उधर से एक ही 8 होगा, तो 8 ऑप्शन जो है एक ही में, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो दैट मींस क्या हो गया कि हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, नहीं एक मिनट, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, अच्छा ये सॉरी रुक जाओ, गड़बड़ हो रहा है, अच्छा ये ए आया, ए निकल रहा है, सॉरी, यस, ए के बाद आप निकालना होगा, यस सी निकालना होगा, इसको करने के बाद घटाना पड़ेगा आपको, 8000 घटाना हुए नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ आ रहा है, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी हो जाएगा ना, रुको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें से आपको ये हटाना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, yes, sir. ये पूरा हटेगा तब जाकर के आंसर आएगा, yes, देखती आंसर भी वही आ रहा है ना, सर ये ये 8000 हटाना पड़ेगा इसमें से, इसका हटाने के बावजूद भी आप करेंगे, ठीक है, गुणा करने पे सर दूसरा आएगा, हाँ तो ये पूरा करने गुणा करेंगे 80000 तुम्हारा क्या होगा माइनस होगा, चलो ये अटेंडेंस आते हैं करें, सीआई पूछ रहा है, वो पूरा निकालने के बाद